सच बताऊं तो स्टार्टिंग वीडियो देखकर चूठी का बिल्कुल मन नहीं किया था कि आज मैं कोई वीडियो बनाऊं, इस पर कोई बात करूं है। लेकिन जैसे मैंने आगे बढ़ा बढ़ा के 2x की स्पीड में आगे करते करते देखा तो लास्ट का पार्ट, कुछ पार्ट है ना, कुछ मिनट्स इतना बकवास किया इसने, इतना बकवास किया कि फिर सोचा नहीं, बोलना तो बनता है, इसका मुँह तोड़ना तो बनता है। सच बोलूँ तो है, इतना बकवास करने के बाद, इतना घंटिया बनती दिखाने के बाद, इतना वो दोगला चेहरा दिखाने के बाद भी 10K तक नहीं पहुँचे हैं चूठी के व्यूज़ है। जब मैंने देखा तब तक तो नहीं पहुँचे थे, अब पहुँच के तो पता नहीं, पर मुझे लगता नहीं। जिस तरह का घटिया बेकार, हद से ज़्यादा बेकार आज इसने वीडियो डाला है, कल डाला था मतलब, उस हिसाब से तो 10K भी बहुत बड़ी बात होगी ऐसे ऐसे वीडियो पे है। तो राम राम बच्चा, क्या अच्छा ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक। वैसे तो इसका वीडियो देख के मूड खराब हो गया था, मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा भाई ये तो है ही नौटंकीबाज, ड्रामेबाज, झूठे नंबर वन है ना, इनको देखकर अपना मूड खराब कर लेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो इनको तो अच्छा ही है, बट हमें अपना मूड खराब नहीं करना, इनकी असलियत सबके सामने लानी है। तो मैं शुरुआती वीडियो में तो जो है झूठी ने बस वही अपनी ड्रेसेस दिखाई हैं, मैं यहाँ से लाई, मैं वहाँ से लाई, मेरी ये ड्रेस, मेरी वो ड्रेस, नंगी पुंगी ड्रेसेस दिखाकर पता नहीं क्या साबित करना चाहती, वन पीस दिखाकर। भाई दुनिया में लगभग लोग पहन रहे हैं आजकल है, और दादी ने पहले भी कहा कि जिस चीज़ को पहनकर तुम खुद को है ना कंफर्टेबल, तुम्हें लगता है तुम कंफर्ट फील करते हो तो कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। लेकिन इनको तो भाई अपनी ही बातों पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही थी, जान जान के वन पीस ड्रेस है या ये ऐसी ड्रेस है, मेरे को पहन के जाना अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर नहीं जा सकती पहने हैं। भाई बाहर जाओगी मतलब जहाँ तुम रहती हो वहाँ तो कम से कम 30-40-50 ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग तुम्हें देख लेंगे, पर यहाँ जो तुम डाल के पहन के बैठ जाती तो यहाँ तो कम से कम हज़ारों में लोग तुम्हें देखते। चलो भाई 6-7-8-10 हज़ार ही सही, पर हज़ारों में देखते हैं लोग है ना, तब अजीब इलॉजिकल बात है, कोई लॉजिक ही नहीं इस बात का। जहाँ तुम्हें 4-5 लोग देखेंगे वहाँ तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जहाँ तुम्हें हज़ारों देख रहे हैं वहाँ तुम ओके हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई है। और मैंने तो पहले भी कहा भाई जो चीज़ पहनने में तुम कंफर्ट फील ही नहीं करते उसको पहनना ही क्यों, ऐसा क्या मतलब नहीं तुम ऐसे पहनोगी जो ये अर्धनग्न जो ड्रेसेस हैं तो क्या हो जाएगा, जो पूरे कपड़े पहनते हैं, सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, उनको क्या हो जाता है, या जो ये पहनते हैं उनको क्या हो जाता है, ड्रेसेस तो ड्रेसेस होती है भाई। इसका इतना बड़ा पता नहीं क्यों हर चीज़ का इशू, मतलब इनको जब गोवा भी जाना था तो ये नहीं था कि मुझे गोवा जाना है, मुझे घूमना है, ये था कि मेरे को वन पीस ड्रेस पहननी है। और पता नहीं उसके पीछे क्या क्या कहानियाँ बना दी गई थी कि मेरे को तो घर वाले निकाल देंगे, मेरे को तो ये फिसड्डी निकाल देगा। हालांकि उससे पहले जो छोटी पुतना ने वो वन पीस पहने भी हुई थी, तब तो तुम्हारे घर वालों ने किसी ने उसको नहीं निकाला था, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, इनको कहानियाँ बनानी होती हैं, झूठी ऐसे झूठे लोग ऐसे थोड़ा कहा गया है इनको है। फिर वही है ना, ड्रेसेस वगैरह दिखाने के बाद वो चाय पी के मेरा दिमाग खुल जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा, तो पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो लास्ट में इसने बकवास किया ना उसके बारे में बात करना जरूरी है। तो पहले तो ज्ञान देने से पहले बैठ जाती है और फिर वो रोना धोना सिंपति कार्ड शुरू हो जाता है इसका भाई, कि वो चले गए, वो चला गया, वो आ गया, वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में जो हंसते हैं हंसते चेहरों के पीछे का दुख कोई नहीं होता। वो आज रील आती है ना कि हंसते चेहरों का मतलब नहीं है कि खुशी, कुछ ऐसी रील है ना, वैसे मतलब डायलॉग, वही डायलॉग, इसकी ज़िंदगी ही सारी की सारी फिल्मी है। एक बार बोल भी रही थी ना कि भाई मैं इमेजिनरी लाइफ जीती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा भी, ये सोचती हूँ वैसे, तो अब ये रील्स में से लाइफ देखती है, अपनी रील्स में से डायलॉग ढूंढती रहती है कि भाई हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता, कुछ ऐसे है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अब है। और फिर से वही कि है ना, आज वो यहाँ होता, ये होता, वो होता, मतलब खुद और अकेलापन, ये वो पता नहीं लाना ढमकाना क्या कैसे का बकवास। हालांकि 4-5 पिछली वीडियोस में ये लोगों को इसी बात के लिए सुना रही थी कि भाई लोग मुझे बोलते तो अकेले कैसे रहती है, ऐसे वैसे तो अकेला कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने फिसड्डी को बाहर भेज के उसको दफा करके खुश रहती हूँ, मतलब वो बाहर चला जाता है तो उसको सुकून मिलता। हालांकि हमें पता है कि सुकून उसको नहीं, मतलब इसको नहीं उसको मिलता होगा, मतलब खुद देख सकते हैं भाई किस तरह की साइको लेडी है। जब हम इसके 15-20-25-30 मिनट के ब्लॉक से ही मतलब हमारा दिमाग जो है एकदम सनक जाता है, सटक जाता है, तो बंदा तो कहीं ना कहीं इसके साथ रह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मैं देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ बड़ा अच्छा वो है तो बड़ा छातिर बंदा, लेकिन फिर भी मतलब ऐसी बंदी, ऐसी साइको बंदी के साथ रहना मतलब है ना कोई चैलेंज से काम नहीं है ना। तो मैं तुझे इतना कहूँगी, झूठ की दीवानी, झूठी अपना ट्रीटमेंट करवा, तुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, ये सच में एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है ना। साइकाइट्रिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि तू पागल हो गई है तो कुछ ऐसा, लेकिन थोड़ा सनकपन है ना तेरे दिमाग में, जो तेरी ज़िंदगी भाई ड्रेसिस ट्रिप, डैडी की पापा वो दादी ये वो चला गया, मतलब इसमें रही, फंस गई है तेरी ज़िंदगी, तो दूसरों को भी फंसा रही है। तुझे एक अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, मनोचिकित्सक बोलते हैं ना उसको,
जो भी बोलते हैं ना, उसकी ज़रूरत है तुझे, तो प्लीज़ भगवान के लिए, तिरुवानों के लिए करवा ले अपना इलाज। और फिर आती है भाई की डिप्लोमेसी पे भी, लोग कितने डिप्लोमेटिक लाइफ जीते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुझसे बड़ा डिप्लोमेटिक कोई हो सकता है? जिस बंदी को अपनी ही बहन की ज़िंदगी से मतलब इतनी जलन हुई कि मतलब इसने कितना दोगलापन दिखाया है ना, आपने देखा होगा कि भाई कैसे मतलब अपनी माँ को भड़काना कहीं ना कहीं समझियों के खिलाफ, कि उन्होंने बुलाया नहीं आपको, मतलब सामने से अच्छा बन के दिखा रही थी, लेकिन तरीका है ना, टाइटल भी खेले इसने, और नहीं हम गिफ्ट नहीं दे सकते, हम गिफ्ट नहीं देते हैं, वो दहेज होता है, अब तो मेरे भाई को डबल कमाना पड़ेगा, आपको तो बुलाया नहीं, आप कैसे जाओगे, क्या आप जाओगे सब, मतलब और कई तरह की इसने जो दोगलेपन वाली बातें करी, जहाँ मतलब बोलती कुछ थी ये और मतलब कुछ और होता। तो बाकी भी जो एलिगेशंस रिप्लाई सीरी चली, इतने बड़े बड़े डायलॉग मारे, खुद के भी अपनी लाइफ के बारे में कितना कुछ इसने दोगलापन दिखाया, वो बंदी दूसरों को बता रही कि कितने डिप्लोमेटिक होते हैं लोग हैं। शर्म कर ले चुट्टी, शर्म कर ले, थोड़ा अपना कभी गिरेवान झांक ले, शीशा है ना कोई जो असली दिखाता हो वो खरीद के लाना, वैसे तो बड़ी शॉपिंग करती रहती, पर काश कोई ऐसा शीशा हो जो तेरी असली तुझे दिखा सके, तो अपना वो असली वाली शक्ल सूरत देख के ना तो कभी किसी को कुछ नहीं बोलेगी, अगर वो अपनी असली शक्ल देख लेगी तो। है फिर इसका कहना है कि भाई हमने मैंने लोगों का कितना किया कितना किया, तूने किया है भाई, तू ऐसी घटिया, मतलब तू के पूरा टब्बर तुम्हारा ऐसा घटिया टब्बर है, मतलब अगर तुम्हारे ही रिश्तेदारी में कोई यूट्यूब चैनल खोल देता तो तुम उसे रिश्तेदारी तोड़ते, बातचीत बंद कर देते कि उन्होंने चैनल क्यों खोला। तुम लोग कर सत्य अरे ऐसे लोग हो ना, कोई अगर खाना खा रहा है तो उसका मुँह से निवाला तक छीन लो, है ना, और तुम किसी का कुछ करोगे। और सच बताओ ना, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, जिन्होंने सच में किया होता है ना वो बिल्कुल कहते कभी नहीं कहते हैं, है ना। तुम तो इस तरह की एहसान फरामोश औरत हो ना, कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ अच्छा किया भी है ना, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने तो उनके भी पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है, उनको भी बातें ही सुनाई है, मतलब उनके खिलाफ अपनी डीजीमी को भड़काया है, सारे रिश्तेदार उनसे तड़वा दिए है। तो तुम्हारे मुँह से नहीं ये हमने किया हम करते, ये बिल्कुल जचता नहीं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई हम अच्छे से जानते हैं ना। और जहाँ तक रे भी कमेंट की बात कि भी किसने कमेंट किया था कि भाई हाँ तुमने कुछ ऐसा आई एक्सपोज दे आर विद में कुछ ऐसा करके इसने गलत बोला था, तो उसने लिखा था कि भाई कुछ था तो थोड़ा सा रूड कमेंट है ना, लेकिन जैसे तुम हो ना तुम्हें कमेंट भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही किए जाते हैं। और तुम ये बात करती हो, तुम्हें याद है तुमने अपनी सास जब तुम्हारी सास लास्ट टाइम तुम्हारे पास आई थी तो चाय जब बनाई थी कुछ अच्छी नहीं बनी थी, तुमने मुँह पे ही उनके बोल दिया था कि चाय अच्छी नहीं बनी है, या चाय तो आपने चीनी गिरा दी थी, और कई ऐसी बातें होती थी जो तुम मुँह पे ही बोल देती थी। और फिर बोलती थी मुझे डिप्लोमेसी नहीं आती, फिर मैं तो ना क्रिस्टल क्लियर बातें करती, जो होता वही बोलती हूँ। तो तुम किस मुँह से बोल रही भाई, जिस ठीक है उसको लगा जिस तुमने इंग्लिश की टांग तोड़ी तो उसने कहा भाई मत बोला करो इंग्लिश। और तो भी मैंने लास्ट वीडियो में भी छोटी पूतना को भी कहा था कि नहीं आती इंग्लिश, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश कोई हवा नहीं है वैसे तो, पर नहीं आती तो ठीक है हिंदी बोल लो, फिर बिना मतलब से तुम ऐसे टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती हो, अपना मजाक खुद उड़वाती हो, जानबूझ के बना उड़वाती हो। तो हिंदी इंग्लिश तो खैर बड़ी दूर की बात है, तुम्हें तो हिंदी भी नहीं कई बार बोलने आती, हिंदी में भी तुम अटक जाती कई शब्दों में, है ना। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई तुम अपनी ज़िंदगी बेच रही हो, यहाँ सब कुछ दिखा रही हो, है ना, तो लोग तुम्हें देख के मतलब अपना नेट भी खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, कुछ बोले भी नहीं, ऐसा नहीं होता है ना भाई। ठीक है तुम्हें तारीफ अगर सुननी अच्छी लगती है तो बुराइयां भी तुम्हें हैंडल करनी आनी चाहिए। तुम भाई अब इतनी बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर हो, 580K वाली है, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हो, तो तुम्हें पसंद करने वाले भी होंगे, ना पसंद करने वाले भी होंगे, है ना, पर तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि उनको सही से ट्रीट करे। वरना देख लो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब 10K भी नहीं पहुँच रहे हैं, इसी तुम्हारी एक तो तुम्हारा जो ड्रामा ये है ना, कपड़े ट्रिप ये वाला ड्रामा, दूसरा ये तुम्हारी जो आदत है सब्सक्राइबर को, जिनके सर पे तुमने आज तक इतना कमाया, मतलब तुम्हें खुद पता है ना कि तुम्हारे हालात कैसे थे, ये थे जिनका तुम रोना रोती रहती हो, और आज हालात बदले तो इन सब्सक्राइबर इस ऑडियंस की वजह से बदले है भाई। जो अन्नदाता होते हैं कहीं ना कहीं, तुम्हारे घूमने वाले दाता भी कह सकते हो, घूमने दाता ट्रिप दाता ड्रेसेस दाता, उनकी कदर करना सीखो, वरना 10K, 6K, 5K, 4K, 3K और कभी ऐसा ना हो कि 0 पे पहुंच जाओ, ना सिर्फ आप खुद, या फिर भी बोल बोल के वैसे ही ना शुरू में जैसे करते हैं जब यूट्यूबर है ना, जब क्रिएटर नया क्रिएट करता कुछ भी है ना, हाथ जोड़ के कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, देखो सब्सक्राइब, ऐसा दिन दोबारा से ना आ जाए, इसलिए अपना एटीट्यूड ये चेंज कर लो, है ना। जनता है तो हम हैं, हम ना भी हो ना तो कोई और आ जाएगा, बट जनता जो है वो एक तरह से मैं कहूँगी जनता ही सब पूछा है ना, बाकी तुम्हारी मर्जी है, हमारा क्या ही जाता है। चलिए गाइज आज के लिए इतने काफ़ी है, वैसे तो बड़ा बोरिंग सा ब्लॉग था इसका, लेकिन जो उसने बकवास किया था मैंने कहा उस पर बात करा ज़रूरी है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपने, लाइक कमेंट शेयर करना है। और सच में आप लोग हो ना तभी हम लोग हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।